विद्यार्थियों, हमने पिछले दो वीडियोस में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में अध्ययन किया। उसके उत्तर भारत की विजयों एवं दक्षिण भारत की विजयों के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासकीय सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक महान प्रशासक भी था। उसने सैनिक और असैनिक सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किए और अपनी मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का उसने परिचय दिया। उसके जो प्रशासकीय सुधार थे वो इस प्रकार है। पहला है केंद्रीय प्रशासन या सुल्तान या उसका राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सुल्तान में ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान थी। अलाउद्दीन स्वयं को अमीरुल मोमिनीन या सहधर्मियों का नेता मानता था। उसका जो राजत्व सिद्धांत था वो कुछ इस प्रकार था। बलबन की भांति अलाउद्दीन भी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला शासक था। वह भी राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था, अर्थात वह राजा के देवत्व के सिद्धांत को मानने वाला था, देवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करने वाला था। दूसरा है कि अलाउद्दीन सुल्तान की निरंकुशता में विश्वास करता था। डॉक्टर के एस लाल ने उसकी निरंकुशता के संबंध में लिखा है कि एक शब्द में फ्रांस के राजा लुई चौदवे की भांति अलाउद्दीन अपने को राज्य में सर्वोपरि मानता था। नेक्स्ट है अमीर वर्ग व उल्लेमा वर्ग पर कठोर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने अमीर वर्ग एवं जो उल्लेमा वर्ग थे उन पर कठोर नियंत्रण रखा। अपने अमीरों की शक्ति को कुचलकर उन्हें आज्ञाकारी सेवकों के ढांचे में बदल दिया था। वे अपनी इच्छा अनुसार उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और पदच्युति करता था और जब किसी को अधिक प्रभावशाली या खतरनाक समझता तो अवसर मिलते ही उसको खत्म भी करवा देता था। जहाँ तक उल्लेमा वर्ग का संबंध है, उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने अथवा शासन सुधारों को लागू करने में न तो इस्लाम धर्म का और न ही उल्लेमाओं का सहारा लिया। नेक्स्ट है धर्म को राजनीति से अलग रखना। उसने स्पष्ट कहा है कि राज्य की जो नीति है उसको निर्धारित करने में उल्लेमाओं का हस्तक्षेप कभी सहन नहीं करेगा। उसने काजी जो मुकीसुद्दीन था उसके साथ बातचीत करते हुए उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस्लामी कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। अर्थात अलाउद्दीन ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। नेक्स्ट है राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से हिंदुओं को दुर्बल बनाना। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं था कि वह सच्चा मुसलमान नहीं था। वह इस्लाम के सिद्धांतों में विश्वास करने वाला शासक था। नेक्स्ट है शक्तिशाली सेना का गठन। उसने अपने राजत्व के सिद्धांत को दृढ़ता से लागू करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन भी किया। उसका जो राजत्व का सिद्धांत था वह एक निरंकुश स्वेच्छाचारी सत्ता का विकास करना था। नेक्स्ट है मंत्रीगण या मंत्री परिषद। अलाउद्दीन का जो राज्य था उसमें चार महत्वपूर्ण मंत्री जो कि चार स्तंभ कहे गए हैं। बर्नी के अनुसार जो चार प्रमुख जो मंत्री थे वो इस प्रकार है। पहला है दीवान ए वजारत। जो प्रधान मंत्री या वजीर होता था, इसको दीवान ए वजारत का जो प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री या वजीर या मुख्यमंत्री, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था। और ये सर्वप्रमुख मंत्री होता था। इस विभाग का जो ये वजीर होता था ये सर्वप्रमुख मंत्री होता था और इस विभाग का जो मुख्य कार्य था वो राजस्व विभाग से संबंधित था।
असी हसनौरोहण के समय अलाउद्दीन ने ख्वाजा खातिर को वजीर बनाया। 1297 ईस्वी में नुसरत खां वजीर बना। ताजुद्दीन कापूर भी वजीर पद पर रहा। वजीर को वित्त के अतिरिक्त सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व करना पड़ता था। वजीर की सहायता हेतु मुशरिफ ए मुमालिक, जिसे महालेखापाल भी कहा गया है, तथा मुस्तोफी अर्थात महालेखा निरीक्षक, महालेखापाल जो व्ययों की जो लेखा जोखा करता था, महालेखापाल और जो महालेखापाल के द्वारा जो लेखा जोखा किया हुआ था उनकी जो जांच पड़ताल करता था वो मुस्तोफी होता था। इसके अलावा होता था वकूफ। इसके अलावा वजीर की सहायता हेतु नायब वजीर भी होता था, खजीन होता था, दीवान ए मुस्तखराज जो कि राजस्व, जो कि वित्त विभाग से संबंधित था, दीवान ए मुस्तखराज, और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। नेक्स्ट है दीवान ए आरिज, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए आरिज बलबन के द्वारा स्थापित था यह दीवान ए आरिज विभाग, परंतु अलाउद्दीन के समय इसका महत्व अधिक बढ़ गया। आरिज ए मुमालिक इस विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहा जाता था उसको, और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था सैनिकों की भर्ती, रसद की व्यवस्था करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया वे दाग प्रथा को लागू करवाना, सेना का निरीक्षण करना, लूट का माल संभालना इत्यादि इसके सैन्य विभाग के प्रमुख के जो महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अधीन नायब आरिज ए मुमालिक होता था। मलिक नासरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन आरिज ए मुमालिक था अलाउद्दीन के समय, और ख्वाजा हाजी नायब आरिज ए मुमालिक था, अर्थात उपाधिकारी था ख्वाजा हाजी, और जो मुख्य जो आरिज ए मुमालिक था वो था मलिक नासरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन। नेक्स्ट है दीवान ए इंसा, यह विभाग दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत था, और इसका जो मुख्य कार्य था वो था शाही उद्घोषणा और प्रपत्रों का प्रारूप बनाना, अर्थात शाही पत्र व्यवहार के कार्य का भार था वो दीवान ए इंसा पर था। ये जो होता था दबीर ए मुमालिक, ये सुल्तान का निजी सचिव होता था। सभी सरकारी अभिलेख इसी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते थे। इसके अधीन जो दबीर ए मुमालिक था, इसके अधीन दबीर व लेखक कार्य करते थे। मिनहाज उ सिराज इस विभाग को दीवान ए असरफ कहकर संबोधित करता था। इस विभाग का जो कार्य था वो अत्यंत ही गोपनीय होता था। नेक्स्ट है दीवान ए रसालत, जो कि विदेश विभाग या धर्म विभाग से संबंधित था। इसके कार्यों के बारे में विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो विभाग है दीवान ए रसालत, ये विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले और विदेशों से आने वाले राजदूतों की देखभाल का कार्य करता था। वहीं कुछ जो अन्य इतिहासकार हैं उनके अनुसार ये दीवान ए रसालत धर्म विभाग से संबंधित था। खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था वो स्वयं इस विभाग का कार्य देखता था। इसके लिए किसी अमीर की नियुक्ति उन्होंने नहीं की। अन्य महत्वपूर्ण मंत्री, इन चार महत्वपूर्ण मंत्रियों के अलावा जो मंत्री परिषद थी उसमें अन्य महत्वपूर्ण मंत्री इस प्रकार थे। दीवान ए रियासत, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण हेतु स्थापित विभाग था। ये राजरानी के आर्थिक मामले देखता था और बाजार की जो संपूर्ण व्यवस्था का संघीय मंत्री या अधिकारी भी यही होता था दीवान ए रियासत विभाग का प्रमुख। याकूब को इस पद पर नियुक्त किया गया था। राजमहल के कार्यों की देखरेख के लिए वकील एदर नामक मंत्री नियुक्त किए गए। वहीं अमीर ए हाजिब उत्सवों का अधिकारी होता था। सरजादार जो होता था वो सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी होता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। सहना पील गजा अध्यक्ष होता था, गज सेना का अध्यक्ष। अमीर ए शिकार सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था।
जो मुहतासिब नामक अधिकारी होते थे वे जन साधारण के आचरण का रक्षक वे देखभाल करता होता था तथा ये बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था तथा नाप तोल का भी निरीक्षण किया करता था। नेक्स्ट है सैन्य प्रबंध या सैनिक प्रबंध। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान हुआ जिसने एक विशाल स्थाई सेना की नींव डाली। महत्वपूर्ण है कि सुल्तान ने स्थाई सेना की नींव डाली तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा है सैनिकों की भर्ती सीधे सेना मंत्री के द्वारा की जाती थी। सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन देने की नीति भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को 234 टंका वार्षिक और दो घोड़े रखने वाले सैनिक के लिए 322 टंका वार्षिक वेतन निश्चित कर दिया गया। अर्थात सैनिकों के जो वेतन है नकद दिए जाते थे और वेतन निश्चित कर दिए गए। जो दीवान आरिज होता था वो सेना का कठोर निरीक्षण किया करता था। अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती थी। नए सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था तथा जो सैनिकों की पदोन्नति है वो सुल्तान स्वयं करता था। सैन्य विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सैनिकों का हुलिया नोट करने अर्थात एक रजिस्टर में अलग अलग सैनिकों के हुलिया नोट किए जाते थे तथा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू। घोड़ों को दाग लगा दिए जाते थे ताकि कोई भी सैनिक है कोई दूसरे घोड़े ना दिखा दे या ज़्यादा घोड़े गिनती में ना करवा दे, इसलिए घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन ने शुरू कर दी। और ये जो काम है हुलिया नोट करने का और घोड़ों को दागने का ये काम दीवान ए आरिज के नियंत्रण में होता था। फरिश्ता के अनुसार जो अलाउद्दीन की सेना थी उसमें 475,000 घुड़सवार थे। मंगोलों की रोकथाम हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने नए दुर्गों का निर्माण करवाया और पुराने दुर्गों की मरम्मत भी कराई तथा किलों में दुर्गों में अनुभवी सेनानायक या कोतवाल नियुक्त किए गए। जो वृद्ध सैनिक थे सेना में उनको सेवानिवृत्त करके उनको पेंशन की व्यवस्था कर दी। अमीर खुसरो के अनुसार जो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी होती थी उसको तुमन कहा जाता था। भली भांति जांच परख कर भर्ती किए गए सैनिकों को मुर्तब कहा गया था। सेना की प्रत्येक इकाई में जासूस नियुक्त कर दिए गए जो सैनिक अधिकारियों के व्यवहार के विषय में सुल्तान को बराबर सूचित करते रहते थे। नेक्स्ट है न्याय प्रशासन। जो न्याय विभाग का जो प्रधान होता था जो प्रमुख होता था वो स्वयं सुल्तान होता था तथा सुल्तान के पश्चात जो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था वो काजी अल कजात या प्रधान काजी होता था। प्रमुख नगरों में अमीर ए दाद नामक अधिकारी न्याय व्यवस्था हेतु नियुक्त किए गए थे। जो न्याय व्यवस्था थी वो अत्यंत कठोर थी। इस कठोर दंड व्यवस्था के अंतर्गत मृत्युदंड, अंग भंग करना, आंखें निकलवा देना, कोड़े लगाना, कठोर कारावास का दंड इत्यादि कठोर दंड प्रचलित थे तथा अलाउद्दीन के समय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई तथा तीव्रता से न्याय देने का कार्य भी शुरू किया गया। नेक्स्ट है पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया। कोतवाल जो होता था पुलिस विभाग का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था जो शांति व कानून का रक्षक होता था। कानून तथा व्यवस्था की रक्षा करना इस कोतवाल का प्रमुख कर्तव्य था। सुल्तान की अनुपस्थिति में वह हरम की देखभाल भी करता था। सुल्तान ने पुलिस विभाग में सुधार किए और कुछ नए पद भी इसमें सर्जित किए। जो गुप्तचर विभाग होता था उसका जो प्रमुख होता था उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। उसके नियंत्रण में अनेक बरीद अर्थात संदेशवाहक कार्य करते थे। बरीद के अतिरिक्त अन्य जो गुप्तचर होते थे संदेशवाहक होते थे उनको मुनहियन या मुनही भी कहा जाता था। संपूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया। अमीरों के घरों, दफ्तरों, प्रांतीय राजधानियों तथा बाजारों में भी गुप्तचर नियुक्त कर दिए गए।
जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो विद्रोह हुए थे प्रारंभिक काल में, उसके बाद में विद्रोह में कमी आ गई। नेक्स्ट है डाक व्यवस्था। साम्राज्य के विभिन्न भागों से संपर्क बनाए रखने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने उचित डाक व्यवस्था का भी प्रबंध किया। उसने अनेक चौकियां भी स्थापित की, अनेक घुड़सवारों और क्लर्कों को उन डाक चौकियों में नियुक्त किया। कुशल डाक व्यवस्था के कारण सुल्तान के साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विद्रोहों की सूचना तुरंत प्राप्त हो गई और तुरंत उन विद्रोहों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। डाक व्यवस्था जो थी वो साम्राज्य की एकता हेतु सहायक सिद्ध हुई। नेक्स्ट है अमीर वर्ग का दमन। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसको कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि उसके खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था वो गुजरात के विजय अभियान से लौटने वाली सेना के 9 मुसलमान अमीरों ने किया था। वहीं जो रणथंबोर, जब सुल्तान रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए गया था तो उसके भतीजे अकत खान ने विद्रोह कर दिया था। जब रणथंबोर का घेरा डाले हुआ था तो उसके भांजों ने भी विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली में हाजी मोल्ला ने भी विद्रोह कर दिया। तो इन विद्रोहों से अलाउद्दीन काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने अंत में इन विद्रोहों के मूल में उसको 4 मुख्य कारण हैं वो दिखाई दिए, जो इस प्रकार थे कि गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, जिसके कारण उसको सही सूचना सही समय पर नहीं मिल पाती थी। दूसरा है अमीरों द्वारा दावतों और समारोहों का आयोजन। इनसे क्या हुआ कि जिससे कि वे जो अमीर थे इनके बीच आपसी संबंध बढ़ते थे और षड्यंत्रों और विद्रोहों की योजनाएं भी इन दावतों समारोहों में तैयार की जाती थी। नेक्स्ट है अमीरों के वैवाहिक तथा पारिवारिक संबंध, जो कि उन्हें संगठित होने तथा एक दूसरे की सहायता देने की प्रेरणा देते थे। नेक्स्ट है अपार धन संपत्ति, लोगों के पास अपार धन संपत्ति होना जिससे विद्रोह के लिए वे आवश्यक साधन जुटाने में समृद्ध हो जाते हैं। विद्रोह के इन कारणों का विश्लेषण कर लेने के पश्चात इन कारणों को जड़ मूल से नष्ट करने की दृष्टि से उसने 4 अध्यादेश जारी किए। पहला है कि अनुदान या माफी में दी गई भूमि को जब्त कर लेना। वस्तुतः हजारों परिवारों को इस प्रकार की भूमि प्राप्त थी, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगहीन व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जिसे बिना शर्म के जीविका का साधन मिल गया था और ऐसे लोगों के पास इधर उधर के कुछ चक्रों में भाग लेने के अलावा और कोई काम नहीं था, पर्याप्त समय था कुछ चक्रों में भाग लेने का। तो सुल्तान ने क्या किया, इस वर्ग को माफी की भूमि के लिए कर देने के लिए बाध्य कर दिया और अपने पदाधिकारियों को कहा कि उनसे अधिक से अधिक कर वसूलो। इससे परिणाम भी अच्छे निकले। बर्नी कहता है कि बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी न मिलता था। नेक्स्ट है जो दूसरा अध्यादेश था उसके अनुसार गुप्तचर व्यवस्था को संगठित करके उसको सक्रिय बनाया। इससे क्या परिणाम निकला कि जो सामान्य लोग और कर्मचारियों ने ही नहीं अपितु बड़े बड़े अमीरों और अधिकारियों ने भी आतंकित होकर बेकार की बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि सुल्तान ने गुप्तचरों को आदेश दिया था कि सुल्तान के सुनने योग्य छोटी से छोटी घटना की रिपोर्ट भी उनको भेजी जाए। नेक्स्ट है मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध। जो तीसरा अध्यादेश था उसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मादक द्रव्यों का उपयोग निषिद्ध कर दिया। सुल्तान ने स्वयं भी मदिरापान छोड़ दिया और बड़े ही नाटकीय ढंग से शाही मदिरा पात्रों को जनता के सामने तुड़वा दिया। दिल्ली में मादक द्रव्यों को लाने पर रोक लगा दी गई और नगर की सीमा चौकियों पर कड़ी व्यवस्था की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और इस नियम को भंग करने वालों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई। हालांकि कुछ दिनों के बाद इसमें कुछ ढील दी गई और लोगों को अपने घरों में शराब पीने की छूट दे दी गई। नेक्स्ट है अमीरों के परस्पर विवाह संबंधों तथा समारोहों को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत
अब बिना सुल्तान की पूर्व स्वीकृति के अमीर लोग अपनी बहन बेटियों और पुत्रों का विवाह संबंध तय नहीं कर सकते थे और समारोह के लिए भी सुल्तान की पूर्व अनुमति या पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक हो गई। इससे अमीरों के जो सामाजिक समारोह और दावतें थीं वो सब बंद हो गई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने केवल अपनी विजयों द्वारा बल्कि प्रशासकीय जो सुधार उसने किए उसमें भी उसने अपनी मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। तो विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।